ओके, वॉइस क्लियर है सबको? यस सर क्लियर। ओके ठीक है, तो पिछली बार हमने क्या किया था जल्दी से एक बार समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सर्कल का बेसिक सा इंट्रोडक्शन और सर्कल की प्रॉपर्टीज देखी। सर्कल का एक सेंटर होता है, एक सेंटर में से बहुत सारे सर्कल बनते हैं, उसको कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ होता है। फिर सर्कल की टेक्निकल डेफिनेशन देखी यहाँ पे 9th क्लास की बुक के हिसाब से। सर्कल के सेंटर और सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो रेडियस बनता है हमारे। एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेडियस होती है। सर्कल के किसी दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, और अगर वो सेंटर से पास होता है तो डायमीटर बनते हैं। डायमीटर रेडियस का डबल होता है और एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायमीटर होते हैं। याद रखना है डायमीटर हमेशा सेंटर से ही पास होता है। डायमीटर के डेफिनेशन में सेंटर वर्ड आना बहुत जरूरी है। फिर हमने देखा कॉर्ड बिल्कुल डायमीटर की तरह ही है। सर्कल के दो पॉइंट को आपस में कनेक्ट करना होता है, बट वो पॉइंट्स सर्कल के सेंटर से पास नहीं होता है। डायमीटर कॉर्ड है, बट डायमीटर कॉर्ड में से बना हुआ है। डायमीटर एक तरीके से कॉर्ड ही है, ठीक है। सारे डायमीटर कॉर्ड हैं, बट सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं है, क्योंकि कॉर्ड को डायमीटर बनने के लिए उस कॉर्ड को सर्कल के सेंटर में से पास होना पड़ेगा, ठीक है। जो सर्कल के सेंटर में से पास होगा वो डायमीटर बन जाएगा, और जो नहीं पास होगा वो कॉर्ड ही कहलाएगा। फिर हमने यहाँ पे देखा पार्टीशंस देखे। रेडियस भी क्या करता है, सर्कल को डिवाइड करता है। कॉर्ड भी सर्कल को डिवाइड करता है, और डायमीटर भी सर्कल को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब कॉर्ड सेगमेंट में उसको ब्रेक करता है, तोड़ता है, उसको पार्ट बनाता है। डायमीटर सेमी सर्कल में उसको पार्ट बनाता है, और रेडियस सेक्टर में पार्टीशन करता है। जो सेगमेंट बड़ा होगा उसके लिए हम मेजर वर्ड यूज़ करते हैं, जो सेगमेंट छोटा होगा उसके लिए माइनर। डायमीटर की बात करें दोनों पार्ट बराबर ही होते हैं, और वो सर्कल को क्या करता है, आधे आधे 50-50% पार्ट में डिवाइड करता है, तो उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। और रेडियस क्या करता है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर में उसको डिवाइड करता है। बट एक बात ध्यान रखना, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट को अगर आप ज्वाइन कर दोगे, ऐड कर दोगे, सम कर दोगे उसका, तो आपको सर्कल मिल जाएगा। सेम वे मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर को भी आप ऐड करोगे तो आपको वापस सर्कल मिल जाएगा। इस कंसेप्ट को आगे यूज़ करेंगे हम। फिर यहाँ पे बात आई सेकेंड और टेंजेंट की। ये वर्ड आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखे होंगे। सेकेंड को हम सेक से बुलाते हैं, कहते हैं, और टेंजेंट को हम टेन थीटा आपने देखा था, सेक थीटा देखा था। एक्चुअली उनके पूरे नाम क्या है, सेकेंड और टेंजेंट, ठीक है। अब सेकेंड है वो सर्कल के दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे टेंजेंट क्या करता है, सर्कल के किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। टेंजेंट के बारे में और थोड़ी इंफॉर्मेशन। टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में 100% देखने को मिलेगा, और ये डायग्राम आपको खूब देखने को मिलेगी एग्जाम में। रिवर्ट होगी, हाफ एली होगी, या मतलब आपका फुल एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम, ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पहले पहचानो कि इसमें से टेंजेंट कौन है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है, ठीक है। चलिए अब मुझे मालूम है कि टेंजेंट क्या करता है, सर्कल के बाहर ही होता है, सर्कल में तो एंटर करेगा नहीं, ठीक है। तो अब यही लाइन क्या हो जाएगी, हमारी टेंजेंट हो जाएगी। मतलब जो हमारा OB है वो क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, राइट। जो टेंजेंट सर्कल के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, सर्कल के बाहर वाली लाइन तो कौन है,
वो भी अकेली है, और ये जो पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर हमेशा कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये सर्कल का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन है ना पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूँ अच्छी तरीके से, तो आप तुरंत ये क्वेश्चन को पहचान लोगे और सॉल्व भी कर दोगे, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पाइथागोरस में लगाए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में लगाए हैं। देखो अभी आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैच कर लो, आप ओ भी कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और ए भी कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और आपको ओ ए एक्स फाइन करना है, तो मुझे कौन बताएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम। ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हमारे पास दिया हुआ है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी है 8 स्क्वायर प्लस ओ ए है x स्क्वायर, ये हो गया 100 इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे चला जाएगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया कितना 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स आ जाएगा 36 रूट और 6 सेंटीमीटर। तो सर्कल का क्वेश्चन था, बट था क्या पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल का सिंपल क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन जैनी बताएगी, यहाँ पे ये क्या बनेगा, टेंजेंट, और ये पॉइंट बी क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जैनी राइट एंगल कहाँ पे होगा, 90 एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ 90 बन गया। अगर मुझे यहाँ पे ट्राइंगल बनाना है इसके हिसाब से, ताकि मैं आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, राइट एंगल बी के ऊपर बना है वो हो गया, और ये ए हो गया। अच्छा ए बी की वैल्यू कितनी है जैनी, OA 25 और OB 7 सेंटीमीटर। जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको पहले रखना है, ये वाली साइड यहाँ पे आ जाएगी प्लस बी ओ स्क्वायर। ठीक है आगे बताओ, 625 माइनस 49 वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2y² इतना ही आएगा या कुछ और आ रहा है, ये किसी का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए इजी था, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। प्रिंस बताएगा, पहला टास्क क्या रहेगा आपका, टेंजेंट ढूंढना, प्रिंस
PQ तो सर्कल के अंदर है, PQ है वो सर्कल के अंदर है, और वो तो ऑलमोस्ट है ना आपका रेडियस है PR, बिल्कुल PR क्या है, PR टेंजेंट है, ठीक है चलो। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बनेगा, P बनेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। इस ट्रायंगल को अगर हम ठीक तरीके से अरेंज कर लेते हैं तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनाया है हमारा वहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, यहाँ पे 90 होगा, तो मैंने इसको 90 यहाँ पे बना दिया, ओके 90 कहाँ बन रहा है हमारा, पी क्यू पे बन रहा है, ठीक है। चलो जल्दी से वैल्यू रखा दो फटाफट, पीआर की वैल्यू दी हुई है 6.2, पीआर क्वेश्चन मार्क, पी आर क्यू 1.2 और पी क्यू 6, ठीक है। अब क्या किया जाए, बताओ आगे स्टेटमेंट दो, सबसे बड़ी साइड कौन है, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ओके आर क्यू कितना है, टेन स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ये हो गया 64 स्क्वायर, यहाँ पे लाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट 64 इज इक्वल टू पी आर, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। चलिए युक्ति बताइए, पहले बताओ टेंजेंट कितना है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ओके राइट एंगल कहाँ पे, राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, राइट एंगल जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वहां पे राइट एंगल बनता है, याद रखो, ठीक है। डायग्राम में आप डायग्राम इस तरीके से बनी हुई है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कि 90 एंगल डी पी बन रहा है बट ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पहले बता रहा हूँ, डायग्राम चाहे कैसे भी हो दिखने में आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ढूंढना है और वहाँ पे 90 लगा देना, चलो। एसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मैं एक्स ले रहा हूँ, बीसी कितना दिया हुआ है 5 और ये भी कितना है 3 सेंटीमीटर, चलिए अब जल्दी से बताओ, ठीक
सेंटीमीटर, ठीक है। आ जाएगा अभी चलिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सब लोग सोचेंगे। सब लोग सोचो पहले और उसकी डायग्राम कैसे बनेगी मुझे बताओ। क्या मैंने क्वेश्चन के हिसाब से बराबर डायग्राम बनाई है? किसी को क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन देखकर डायग्राम में समझ में ना आ तो मुझे बताओ। यहाँ पे पॉइंट एक्स है वो सर्कल के सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर है। पॉइंट एक्स है वो सर्कल के सेंटर से 20 सेंटीमीटर अवे है, दूर है, पार है। और सर्कल की रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब रेडियस तो आपको मालूम ही है, सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को कनेक्ट करना, और जितना गिवन है उसके हिसाब से हमें टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। टेंजेंट कौन है? पी एक्स। टेंजेंट कौन है? पी एक्स, ठीक है। मतलब हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है जिसको मैं एक्स ले रहा है, ठीक है। अब जैसे बताया था वैसे, सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा। और मैंने अभी अभी बताया, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको दिख जाए वहाँ पे आप क्या लगा दोगे? राइट एंगल लगा दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना दो। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहाँ पे था वहाँ पे 90 कर दो, बाकी जो पॉइंट इस तरीके से थे उस तरीके से रहेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास पीओ की वैल्यू कितनी है?
और पी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है वो हमें फाइंड करनी है जिसको हम एक्स ले रहे हैं, और ओ एक्स की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर बिल्कुल ठीक है। खुशी बता रही है, खुशी हाँ पाइथागोरस लगाना है तो x का वैल्यू बताओ 100 हो गया। ठीक है रूट निकाल सकते हो इसका, इसका रूट निकाल सकते हैं आ जाएगा समझ में। ये रूट वाले क्वेश्चन है ना आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, आप कहीं भी चले जाओ ये रूट वाले क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसमें तो आपकी ग्रिप सही से होनी चाहिए। आप चाहे ट्रिग्नोमेट्री में जाओ, सर्कल में जाओ, सर्विस या वॉल्यूम में जाओ, आप कहीं भी चले जाओ रूट वाले क्वेश्चन आएंगे, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? ओके आखिरी 5 मिनट बची है, मैं एक्सरसाइज पे जा रहा हूँ। हम 5 ब्लैंक्स करेंगे राइट। Recording in progress. ये आपकी एक्सरसाइज है 10.1 ठीक है, एनसीईआरटी 10.1 की फर्स्ट एक्सरसाइज है। अभी सिर्फ हमारा गोल रहेगा क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 किया जाए। सब लोग सोचो बैठ के,
फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर्कल कितने पॉइंट से बना हुआ होता है? सर्कल कितने पॉइंट से बना हुआ होता है? इनफाइनाइट पॉइंट से। तो जितने पॉइंट्स होंगे उतने टेंजेंट्स बनेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है? टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है? वापस आ जाओ। वन पॉइंट। हाँ, वन पॉइंट, बिल्कुल सही। अभी बताया था मैंने, ये रहा। ठीक है, टेंजेंट क्या करता है? सिर्फ पॉइंट सी, एक पॉइंट के ऊपर ही क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, वन पॉइंट आ गया। लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स, ऐसा कुछ सिखाया था? सेकेंड, बिल्कुल सही। A circle can have a dash parallel tangents. अच्छा, टू, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, एक टेंजेंट यहाँ से पास होगा और एक टेंजेंट यहाँ से पास होगा, तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट बन सकते हैं पैरेलल में? टू। अच्छा, ये सोच के बताओ, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट, ये वाला POC। ठीक है, ओके, और टाइम बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3, टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मीट एट अ लाइन थ्रू अ सेंटर O एट अ पॉइंट Q 12 सेंटीमीटर। फाइंड PQ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बनेगा? P। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपका ये बन जाएगा POC। राइट एंगल कहां पे होगा? इधर। यहां पे 90 आ गया। PO की वैल्यू कितनी है? 5। और OQ की वैल्यू कितनी है? 12। PQ फाइंड करना है। कौन बता रहा है? ओके, अब -25
कौन सा ऑप्शन आएगा? क्लियर हुआ? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 हम कल करेंगे, ठीक है? आज यहीं पे मीटिंग खत्म करते हैं। आपको दोनों वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जिसको कोई डाउट हो तो वापस जाके फिर से रिफर कर सकता है, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करो, ठीक है? चलो मीटिंग को यहाँ पे क्लोज करते हैं। Recording stopped.